नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सत्य विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में तमारू स्वागत छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने स्वाध्याय समझवाना छे कि धोरण 5 विषय हिंदी स्वाध्याय पाठ छे आपरे 13 में स्वच्छता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपरे स्वच्छता नो पाठ अने अभ्यास आगरना वीडियो में समझी गया। तो आज आपरे समझीशु पाठ 13 स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में जुओ, पाठ्यपुस्तक में प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न आपेला छे। तो पहलो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपने आ प्रश्न आपेला छे तेनो उत्तर आपणे समझवानो छे। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो आपणे पाठ्यपुस्तक में समझी गया हता के मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा, भिनक रही मक्खियों और चारों ओर फैली गंदगी देखी। हवे प्रश्न नंबर 2, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? के लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। हवे प्रश्न नंबर 3, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? कि अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी, उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। हमें प्रश्न नंबर 4, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें प्रश्न नंबर 5, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। तो आपने आ प्रश्न नंबर 1 समझी गया। हवे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहियाँ आपने शब्द आपेला छे अच्छा, कोमल, लाल अने सफेद। तो आपणे आ चारे शब्दोनो जेम उदाहरण आपेलू छे एवी ज रीतना आपणे वाक्य बनावाना छे। तो उदाहरण जो, सुंदर, बाग में सुंदर फूल खिले है। तो एवी ज रीतना आपणे चार शब्द आपेला छे ते चारे शब्दोना आपणे वाक्य बनावाना छे। तो पहेलो शब्द छे अच्छा। तो आपणे एने केवी रीतना वाक्य बनावीशुं? कि विपुल अच्छा लड़का है, एवी रीतना आपणे वाक्य बनावाना रहेशे। हवे बीजुं छे कोमल, तो बगीचे में कोमल घास है। पछी त्रीजुं छे लाल, सुरेखाने लाल साड़ी पहनी है। अने चौथुं छे सफेद, मैदान में सफेद गाय चरती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आवी ज रीतना શબ્દ આપેલા છે વિશેષણ, તેના આપણે આવી ત્રીજા વાક્ય બનાવવાના રહેશે। તો હવે છે પ્રશ્ન નંબર 3, અંગો કો કામ સે મિલાઈએ। તો આપણે અહીંયા જોડ મિલાવવાની છે। તો કેવી રીતના? તો આપણે પહેલું છે કાન સે, તો કાન સે ક્યા કરતે હે? ગાના સુનતે હે। પછી બીજું છે આંખ સે, આક્ષમ ક્યા કરતે હે? કે ફિલ્મ દેખતે હે। ત્રીજું છે નાક છે, તો નાક્ષમ ક્યા કરતે હે? ફૂલ સૂંઘતે હે। પછી પેર સે, તો પેર સે ક્યા હોતા હે? કે ચલતે હે। પછી હાથો સે, તો હાથો સે ક્યા કરતે હે? કે બલ્લા ઘુમાતે હે। પછી દાંતો સે, દાંતો સે ક્યા કરતે હે? ખાના ચબાતે હે। અને મોહ સે ક્યા કરતે હે? તો મોહ સે ગાના ગાતે હે। તો આવી જ રીતના આપણે જોડ મળવાની છે। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 નો બ,
सही मिलान को वाक्यों में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कान से गाना सुनते हैं जो उदाहरण आपेलू छे ने, एवी ज रीतना आपणे रेखांकित करवानुं छे, एटले के लाइन करवानी छे कि जे क्रिया को रेखांकित, एटले के आपणे पाछळथी देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, चबाते हैं, त्यां आपणे रेखांकित एटले के लाइन करवानी छे। तो उदाहरण जो केवी रीतना लाइन करेली छे, एवी ज रीतना आपणे ओमां जोयुं एना आपणे वाक्य बनावाना छे, पछी रेखांकित करवाना छे। तो पहलू तो हम कान से गाना सुनते हैं, तो अहीं आपणे रेखांकित कर्युं। एवी ज रीतना आँख से फिल्म देखते हैं, पछी नाक से फूल सूंघते हैं, पेर से चलते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं अने मुँह से गाना गाते हैं। आवी रीतना आपणे रेखांकित करूँ तो एवी ज रीतना आपणे वाक्य बनावे अने आपणे रेखांकित करवानुं रहेशे। हवे छे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 मां नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ दृश्यने तमे जुओ, पछी आ दृश्यने आपणे તેનું વર્ણન કરવાનું છે। તમને આ દૃશ્ય કેનું દેખાય છે? કે આ દૃશ્ય એક દીપાવલી કા દૃશ્ય હે। દીપાવલી એટલે કે દિવાળી। દીપાવલી આશ્વિન મહિને કે અમાવસ કે દિન મનાઈ જાતી હે। દીપાવલી આશ્વય એટલે કે આશો મહિનો। દીપાવલી દીપો કા ત્યોહાર હે। દીપો એટલે કે દીવો। ઘર કો दीपक से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झोंक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। झोंक रही अटले के देखी रही है। હવે પ્રશ્ન નંબર 5। નિમ્નલિખિત વિષયો પર ચર્ચા કરકે લિખીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બે વિષય આપેલા છે। પહેલું છે મેરા ગાંવ અને બીજું છે મેરી દિનચર્યા। તો પહેલું છે મેરા ગાંવ, તો આપણે આપણા ગામ વિશે લખવાનું છે। તમે તમારા ગામ વિશે પણ લખી શકો છો। તો કેવી રીતના તમે લખી શકો? કે મેરા ગાંવ કા નામ જનકપુર હે। તો અહીંયા તમે તમારા ગામ પણ લખી શકો છો। મેરા ગાંવ છોટા સા હૈ, ઇસસે ઇસમેં બસ્તી ભી કરીબ 700 લોગો કી હૈ। મેરા ગાંવ મેરે ગાંવ મેં વિવિધ જાતિ ધર્મ કે ઓર અલગ અલગ વ્યવસાય વાલે લોગ રહતે હૈ। વે સબ મિલજુલ કર રહતે હૈ। મેરે ગાંવ મેં એક છોટા સા બાજાર હૈ। एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला के 5 ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहां रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આવી રીતના મેરા ગાંવ વિશે તમે લખી શકો છો। તો હવે બીજું છે મેરી દિનચર્યા, એટલે કે તમે આખા દિવસમાં તમે શું કરો છો તે તમારા વિશે તમારે લખવાનું છે। તમે કેવી રીતના લખશો? કે મેં રોજ સુબહ જલ્દી ઉઠ જાતા હું। દાંતન કુલા કર મેં અપને મિત્ર કે સાથ ખુલ્લી હવા મેં ટહલને એટલે કે ચલને જાતા હું। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में
ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ। जलपान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ। फिर भोजन करता हूँ। भोजन के बाद मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। फिर मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ। सोने के पूर्व परमात्मा का स्मरण करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज रीतना तमारे तमारी दिनचर्यानो विषय लखवानो छे। हवे प्रश्न नंबर 6, बनाए अने लगाए के अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारे तमारा आजूबाजू में सोसायटी अने गली में अने आसपास में जी नागरिकों रहता हो एने तमारे स्वच्छता विषे कहेवानुं छे कि स्वच्छता हमेशा राखवी जोईए। हवे प्रश्न नंबर 7, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कि आपणे चोखाई विषे आपणे शुं करवुं जोईए अने शुं नहीं। तो पेलुं, हररोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। नियमिततातून ब्रश करना चाहिए। शौचक्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। नियमित स्नान करके शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें अपना मोहल्ला अपना गांव साफ रखना चाहिए। पच्छी आपरे के स्वस्थ रहने के लिए हम यह नहीं करना चाहिए कि आपने आ न करवू जोईए कि शू कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दातुन ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आज आप पाठ 13 स्वाध्याय समझी गया। हवे होमवर्क ने अंदर तमारे जुओ, अहीं स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 आपेलो छे। प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्नों आपेला छे। ते 5 प्रश्नों उत्तर तमारे बुक में लखवानो रहेशे। जय हिंद, जय भारत।